तो स्वागत हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो यहाँ में हम लोग बात करने वाले हैं LSPD FR के बारे में। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने के सबसे पहले गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट तो आपको यहाँ पे इस लिंक पे आ जाना, वेब पेज पे आ जाना है बेसिकली। ओके, फिर यहाँ पे डाउनलोड LSPD FR, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। फिर यहाँ पे डाउनलोड दिस फाइल पर क्लिक कर देना है। ओके, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो कुछ ऐसे जो है डाउनलोड करना है। ओके, एग्री एंड डाउनलोड, और फर्स्ट वाला जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे पहले से करके रखा है तो मैं नहीं करूँगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे जो है अभी डाउनलोड कर लिया है। फिर अभी इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर या फिर ओपन करिए। ओपन करने के बाद कुछ यस कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा, यस कर दीजिए। ओके, फिर ये कुछ अनपैक वगैरह करेगा तो उसको करने दीजिए। फिर ओके एंड नेक्स्ट, आई एग्री एंड नेक्स्ट। एंड यहाँ पे आपको GTA 5 का लोकेशन सिलेक्ट करना है तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने GTA 5 का से लोकेशन सिलेक्ट कर लिया। अभी इंस्टॉल बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो है इंस्टॉल हो चुका है। अभी आपको जो है फिनिश पर क्लिक करना है। फिर ये कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। अभी आपको क्या करना है, नेक्स्ट पर क्लिक करना है। फिर सो लाइसेंस, इस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक्सेप्ट क्लिक करना है एंड डू इट फॉर मी, या सो सेटिंग आप कर सकते हो। तो डू इट फॉर मी हमने कहा है। फिर LSPD FR हैज़ बीन इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो यहाँ पे इंस्टॉल जो है सक्सेसफुली हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, आपको जो है GTA 5 के लोकेशन में जाना है बेसिकली। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं, यहाँ पे हम आ चुके हैं। अभी आपको क्या करना है, अगर आपका एपिक गेम्स से है तो आपको जो है पहले तो एपिक गेम्स तो रन करा देना है। बिकॉज बीच में अगर आप डायरेक्ट ही यहाँ से रेज प्लगइन हुक को जो है ओपन करते हो तो आपको जो है एरर आने के चांसेस हैं। तो फर्स्ट तो आप एपिक गेम्स ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप जो है लाइब्रेरी में चले जाए, तो हम लाइब्रेरी में चले जाते हैं। फिर आपको लॉन्च पर क्लिक करना है। ओके, और इस वक्त जो है नेटवर्क जो है ऑन रहना चाहिए बेसिकली। तो हम लॉन्च पर क्लिक कर देते हैं, और लॉन्च के समय हम जो है यस कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, तो वेट करते हैं। जब लॉन्च होगा बेसिकली तब डायरेक्ट ही हम रेज प्लगइन हुक को ओपन कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है रॉकस्टार गेम्स अपडेट नहीं है, तो हम इसको अपडेट कर लेते हैं। अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है गाइस, तो इसे होने देते हैं। तो यहाँ पे इंस्टॉल जो है ले रहा है तो इसको लेने देते हैं। सो गाइस यहाँ पे जो है ओपन हो चुका है। अभी आपको क्या करना है, रेज प्लगइन हुक में जाना है, ओपन कर देना है। ओके, तो ये कुछ फर्स्ट टाइम जो है ऑप्टिमाइजेशन वगैरह लेगा तो उसको लेने देना है। और ये जो है बैकग्राउंड में जो है रन करेगा। तो अगर आप जो है स्टोरी मोड पर क्लिक करोगे, ओके, तो ये जो है LSPD FR जो है डायरेक्ट ही खुल जाएगा बेसिकली। जो है रेज प्लगइन हुक आप इंस्टॉल कर दोगे तो ये डायरेक्ट ही LSPD FR ही जो है ओपन होगा। ओके, स्टोरी मोड या GTA ऑनलाइन जो है ओपन नहीं होगा। अगर आप जो है रेज प्लगइन हुक को क्लोज कर देते हो
तो आप स्टोरी मोड या GTA ऑनलाइन में जा सकते हो, इससे कोई बैन वगैरह नहीं होगा। तो मैंने जो है ये ट्राई किया हुआ है एक बार, तो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो एज यू कैन सी लोडिंग LSPDFR जो है आपको देखने के लिए मिल गया। ओके एज यू कैन सी, तो अभी जो है मैं दूसरे जो है स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो है आवाज़ का जो है डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं जो है दूसरे से जो है रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि अगर मैं इससे रिकॉर्ड करूँगा तो मेरा जो है ये रिकॉर्डिंग लैग करता है। तो मैं जल्दी से चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने जो है इसको पकड़ लिया है, चोर को एक। तो इसको जो है मैं जेल में जो है डालने वाला हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो है क्या हुआ कि मैंने सब बोल तो लिया, बट जो है रिकॉर्डिंग ऑन करना जो है मैं भूल गया। सो सॉरी अबाउट दैट। सो मैं फिर से एक बार कर लेता हूँ। ओके सो गाइस वेट गाइस, तो यहाँ पे हमने जो है सीक्वेंसी तोड़ी थी। अभी हम क्या करेंगे गाइस, कोई भी एक बंदे को यहाँ से अरेस्ट करेंगे। ओके ऐसा कुछ आपको मैप में दिखे तो आप वाई पर क्लिक करिए, और वाई पर क्लिक करने के बाद आप कोई भी पुलिस की कार या फिर बाइक लेके जल्दी से वहाँ पे चले जाइए और पकड़ लीजिए उस सस्पेक्ट को। तो यहाँ पे ही आ रहा है एविडेंसली, तो मैं यहाँ पे जो है रेडियो बंद कर देता हूँ बिजली, और वहाँ पे चलते हैं। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग ही करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। और गाइस वेट गाइस, हम जो है फर्स्ट तो इसको पकड़ लेते हैं, फिर बात करते हैं। ओके जा रहा है गाइस। आई थिंक कि हम जो है इसको नहीं पकड़ पाएंगे, बट हम कुछ नया भी करेंगे। ओके वो ऊपर की साइड है आई थिंक सो। ओके रॉन्ग साइड पे चला रहे हैं, फिर भी देखते हैं अभी। आई थिंक वो भाग गया है। सो अभी हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे और बीच में ही पेट्रोलिंग करते, बट मैं दिखाने के लिए सिर्फ। ओके सो फर्स्ट स्टॉप यहाँ पे करिए, फिर ई को होल्ड करिए तो यहाँ पे स्टॉपिंग का आएगा। ओके फिर यहाँ पे इंटरेक्ट एंड डिटेन द सस्पेक्ट ऐसा जो लिखा हुआ आएगा, तो इस पर ई पर क्लिक करिए और आस का आईडी करिए। आस का आईडी करने के बाद आप जो है कार में चले जाइए या फिर बाइक में चले जाइए, और फिर यहाँ पे आप जो है क्यू पर क्लिक करिए, फिर यहाँ पे टैप क्लिक करिए, फिर एंटर पर क्लिक करिए, और यहाँ पे जो है लाइसेंस का जो है वैलिडिटी वगैरह जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो है कुछ नहीं है, तो अभी हम जो है इसको फ्रिस्क करेंगे, मतलब कि चेकिंग करेंगे कि इसके पास और कुछ तो नहीं है। ओके सो एज यू कैन सी कुछ भी नहीं है इसके पास। ओके तो अभी इसको जो है हम जाने देते हैं। ओके तो कस एज यू कैन सी, तो क्या आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में कस क्या करें तो वो कमेंट में बताइएगा। ओके तो मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तो बाय बाय।